सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैक सिस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज मैं आ रखा हूँ चंडीगढ़ में और आप मेरे सामने देख सकते हैं रेविट स्टोर और मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं एक और फुल्ली कस्टमाइज मॉडिफाइड थार। सो गाइस ये गाड़ी जो है बिल्कुल अलग से कलर की है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पेंट जॉब है, कस्टम पेंट जॉब हो रखा है। मैट ऑरेंज बहुत ही रेयर कलर है और सबसे पहले बता दूँ ये मॉडल भी है जो बहुत पुराना है, जैसे आप यहाँ पे गोल लाइट्स और समझ गए होंगे जो मॉडल जो है काफ़ी पुराना है तो इसमें, बट काम ऐसे हो रखे हैं कि आज की डेट की थार भी जो है ये फेल कर देगी। तो गाइस आज की वीडियो में इसकी डिटेल मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो रखा है, फिर वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ कि आपको कितना खर्चा लगेगा कुछ ऐसी अपनी थार मॉडिफाई करवाने के लिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक करिए। Of our faith, we can't live this way. Feel me slowly fade away. सो गाइस जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो एक और रेविट से जो पूरी मॉडिफाई हो रखी है थार उसके बारे में होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक कलर है, शायद गाइस आपने ऐसा कलर कभी पहले नहीं देखा होगा। तो ये कस्टम पेंट जॉब है जो यहाँ पे हो रखी है मैट ऑरेंज में। सो ये पेंट जॉब है गाइस और ये पेंट मैं आपको बता दूँ काफ़ी पुराना है जो आज भी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो इस पूरी इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले एक डिटेल वॉक अराउंड करवा देता हूँ कि कैसी लग रही है ओवरऑल गाड़ी। सो ये है इसके रियर साइड में, इसमें सिर्फ एक है जैसे इसके अलॉयज वगैरह हैं वो थोड़े पुराने हैं, दैट्स इट, बाकी एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो यहाँ पे आप चेक करें गाइस, ये था एक पूरा प्रॉपर वॉक अराउंड। अब मैं इसका डिटेल बताता हूँ फिर एंड में इसके प्राइस के डिस्कस करेंगे कि कितना प्राइस है और क्या क्या इसमें हो रखा है उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ अभी। सो वीडियो के साथ बने रहिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक करिए। सो गाइस जो आज की मेरी वीडियो होगी वो इस थार के बारे में होने वाली है। सो जैसे कि आप सामने से देख सकते हैं इसकी लुक्स बहुत ही एग्रेसिव जो है टाइप की लुक आ रही है यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट बम्पर की। सो गाइस ये इसका फ्रंट बम्पर चेक करें, यहाँ फुल मेटल का बम्पर है, ऑफ रोड बम्पर है और कुछ इस डिज़ाइन का आपको फ्रंट बम्पर जो है देखने को मिलने वाला है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी कम थार वाले ये जो है इस टाइप का बम्पर जो है इसके अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। साथ में हेला की दो आपको लाइट्स मिलेंगी, लाइट्स के साथ साथ आपको हेला के कैप्स भी जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं इसमें। सो फ्रंट आपको पसंद आया होगा, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का जो ऑप्शन है वो चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप अपना हुक लगवा सकते हैं गाइस इसके अंदर, यहाँ पे अपना दोनों साइड आपको हुक का ऑप्शन दे रखा है। क्योर इसमें विंच तो जैसे नहीं लगी हुई है तो ये आपको जैसे कोई गाड़ी को खींचना हो ऑफ रोडिंग के टाइम तो उस टाइम पे ये चीज़ काम आती है। सो काफ़ी काम का बम्पर और काफ़ी मजबूत जो है बम्पर इसमें दिया हुआ है ओवरऑल। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइज़ यहाँ पे इसके फ्रंट की। सो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी गाइज़, ये कोई फाइबर नहीं है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये प्योर मेटल ग्रिल है गाइज़ इसके अंदर। ये देखिए आप, प्योर मेटल ग्रिल है, मैं हाथ भी मारूँ तो हाथ में दर्द हो रहा है
तो काफ़ी हैवी काम हो रखा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये थार बिल्कुल ही ओल्ड मॉडल है, अराउंड 2009 या 10 जो है उसका मॉडल है ये थार, जिसकी आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो फ्रंट में जो इसमें काम हो रखा है वो इस चीज़ का हो रखा है, फ्रंट जो आप माउथ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी टाइप का माउथ लगा हुआ है, हैवी मेटल का, जो कि बहुत ही इसकी लुक्स को बहुत स्टनिंग बना रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से। सो लोगों, आपको जैसे कि पता होगा ओल्ड मॉडल में राउंड लाइट्स आती थी, अब नए वाले मॉडल में थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्क्वायर टाइप की लाइट्स आती हैं। सो आपको यहाँ से लाइट से ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा मॉडल है जिसके मैं बारे में आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो होप आपको जो इसका फ्रंट वगैरह है गाइज वो पसंद आया होगा। पेंट जॉब की क्वालिटी देखिए आप, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ पेंट के बारे में। सो वीडियो के साथ गाइज एंड तक बने रहिए। उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो एक्सटेंडेड फेंडर्स हैं, यहाँ पे 4 इंच के एक्सटेंडेड फेंडर मिलेंगे गाइज आपको फाइबर के। ये 4 इंच के फेंडर्स हैं, एक बार आप क्वालिटी चेक करो पेंट की, एकदम बहुत ही स्मूथ फिनिश के साथ आज भी ये पेंट मेंटेन्ड है। और ये रेविड वालों के मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स थे जिनको उन्होंने कस्टम पेंट जॉब करके दिया था। सो ये इनके पास हार्ड टॉप लगवाने और रेस्टोरेशन करवाने के लिए आए थे। सो धूल उड़ चुकी है गाइस यहाँ पे। एनीवेज कोई बात नहीं, थोड़ा ना यहाँ पे जैसे आप ट्रक व्रक देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रक व्रक वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा शोर आए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ इसके व्हील्स की। तो इसमें JK टायर्स के 80 टायर्स लगे हुए हैं, ऑल टेरेन टायर्स इसमें लगे हुए हैं। एलॉय देखिए आप गाइस, एलॉय जो है इसमें पुराने टाइम का एलॉय है, क्योंकि गाइस आपको पता ही है यहाँ पे मॉडल बहुत पुराना है, मैं सबसे पहले बता दूँ, और पुराने टायर इसीलिए लगे हुए हैं इसमें, RPM के, क्रोम के। और ये अपने टाइम में बहुत ज़्यादा एलॉय चला है गाइस, बहुत ज़्यादा चला है, काफ़ी लगभग SUVs में, स्कॉर्पियो में, सफारी में लगभग यही जो है एलॉय ये यूज़ हुआ हुआ है। 4 इंच के एक्सटेंडेड आपको फेंडर्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। आगे अगर मैं पीछे से बात करूँ गाइस यहाँ से, तो आपको यहाँ पे ये फुटस्टेप देखिए गाइस, ये इस टाइप का आपको फुटस्टेप जो है देखने को मिलेगा। ये भी कस्टम मेड फुटस्टेप है, वैसे नॉर्मल फुटस्टेप जो है वो छोटा आता है, बट ये कस्टम मेड है पूरा का पूरा फुटस्टेप, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी ऑक्स लाइट्स, यहाँ पे फ्रंट में 2 ऑक्स लाइट्स इसमें दे रखी हैं, साथ में आपको रियर व्यू मिरर है वो रैंगलर स्टाइल मिलने वाला है प्रॉपर। सो ये कुछ इस टाइप का दिखता है गाइस, रैंगलर स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा इन है, पॉपुलर है, और लगभग थार ओनर्स इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना पसंद करते हैं। उसके बाद पेंट जॉब देखिए गाइस, चारों तरफ से डिटेलिंग पे काम हुआ हुआ है, कोई भी आपको कहीं पे भी रफनेस नहीं दिखेगी। हालांकि 10-11 साल हो चुके हैं पेंट को, फिर भी फुली मेंटेन्ड है, क्योंकि गाइस इसके ऊपर जो कोटिंग वगैरह है वो होती रहती है टाइम टू टाइम, इसका थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल है। मैट कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैट ऑरेंज काफ़ी डिफरेंट जो है इसको लुक्स दे रहा है, यूनिक बना रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे रियर की। सो रियर में आपको 4 इंच के और एक्सटेंडेड फेंडर्स मिलने वाले हैं इसमें, चेक करें आप यहाँ पे, और 4 इंच के आपको मिलेंगे रियर में। सो होप आपको पसंद आया होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे हार्ड टॉप की। सो ये आपको 3 साइड मेटल हार्ड टॉप है दिखने वाला, जो कि अभी लेटेस्ट इंस्टॉल्ड हुआ है रेविट से। सो तभी ये गाड़ी यहाँ पे आई हुई थी। थोड़ा इंटीरियर्स में काम हुआ है, इंटीरियर्स भी बहुत इसके क्लासी हैं, बहुत जेन्युइन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। सो यहाँ पर आप चेक करें, सो ये हार्ड टॉप आप देखिए, कुछ स्लांटिंग वे में आपको हार्ड टॉप जो है देखने को मिलने वाला है, कुछ स्लांटिंग है। सो होप आपको ये पसंद आया होगा। रियर पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। सो सिंगल वे ओपनेबल डोर है यहाँ पे, ओपनेबल डोर में भी आपको जो अंदर मिलेगा कुछ चॉकलेट कलर का जो है आपको देखने को मिलने वाला है, जो टेक्स्चर है बिल्कुल चॉकलेट कलर का दिया गया है। इंटीरियर भी वुडन और चॉकलेट ही हैं, जो कि इसके लुक्स को और ज़्यादा बढ़िया बना रहे हैं। सो यहाँ मैंने बंद कर दिया। 3 साइड ग्लास हॉट टॉप है, यहाँ पे आपको रेविड की बैजिंग मिल जाएगी प्रॉपर, ये चेक करें आप, नंबर नोट कर सकते हैं, मैं पॉज कर दूंगा, बाकी मैं डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में इनका सारा नंबर्स डालता ही हूँ। और ये पहले जब पहले रेविड पे आई थी, ये तो अभी जैसे नया लोगो है, तो ये पुराने वाला लोगो है, जैसे पुराने कस्टमर्स हैं तो ये पहले लगता था रेविड चंडीगढ़ का। उसके बाद एक स्पेयर रियर व्हील मिलने वाला है आपको यहाँ देखने के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप की आपको टेल लैंप्स देखने को मिलेंगी, आज की डेट में भी काफ़ी इन है बट काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, आप चेक करें यहाँ से, आपको टेक्स्चर देख के ही पता चल रहा होगा कि थोड़ी सी ओल्ड है जो इसकी टेल लैंप्स हैं। होप आपको ये पसंद आई होगी। टेल लैंप्स इसके साथ जा रही हैं, टोटल ऑल ओवर मैच कर रही हैं, बढ़िया बना रही हैं इसकी लुक्स को। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे रियर बम्पर की, तो आपको रियर मेटल बम्पर देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव जो है बम्पर है इसमें।
और पीछे आपको दो और लाइट्स मिल जाएंगी। सो ये आप रिवर्स लाइट्स भी कह सकते हो इनको, वैसे भी ये आप जला सकते हो बट पीछे वाले की आंखें ख़राब हो जाती है तो ना जलाओ तो वो भी ज़्यादा सही है। यहाँ पे आपको दोनों साइड इस बम्पर में ऑलरेडी अटैच रिफ्लेक्टर जो है देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये तो थी इसकी सारी एक्सटीरियर लुक, होप आपको जो इसका एक्सटीरियर है पेंट क्वालिटी एंड ऑल वो सब कुछ पसंद आया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की, इंटीरियर भी बहुत इसके जो है खास होने वाले। इंटीरियर के बारे में मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको कि इंटीरियर में क्या क्या हो रखा है। सो गाइस उसके बाद अब आ जाते हैं इंटीरियर पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे डोर पैनल से। डोर पैनल में आप देख सकते हैं चॉकलेट ब्राउन टाइप की जो है लेदर कोटिंग हो रखी है, फिनिशिंग इसको दे रखी है। यहाँ पे वुडन आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे वुडन डोर हैंडल मिलेगा, यहाँ पे देखिए डोर लॉक्स भी आपको पीछे वुडन में मिलेगा। ये चीज़ चेक करें, ये भी वुडन पैनल है यहाँ पे जो इसके अंदर इंस्टॉल है। इवन तक की जो पावर विंडो का ऑप्शन है वो भी वुडन के अंदर है। फ्रंट में दो पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं इसके अंदर। होप आपको जो इसका डोर पैनल का जो डिज़ाइन वो पसंद आया होगा। जैसे कि इस मॉडल में गाइस पुराने जो मॉडल थे तो इसमें ये डैशबोर्ड नहीं आता था, तो ये डैशबोर्ड पूरा कस्टमाइज है, नया लगा हुआ है, नया बिल्कुल इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। सो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू थार वाला जो है इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो अभी लेटेस्ट में आ रहा है। क्या 2020 में आ जाएगी थार तो वो चेंज होने वाला है ऑलरेडी, बट जो अभी लेटेस्ट चल रही है थार जो है मार्केट में उसका इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है पुराने से। सो उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे कस्टम सीट्स की। सो चॉकलेट कलर के जैसे आपको इंटीरियर देखने को मिलने वाला है, बट ये कस्टम सीट्स रेवेट की लगी हुई है। ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे गाइस, ये टोयोटा कैमरी की जो है उसकी गाड़ी की सीट्स है। ये काफ़ी लग्जरी गाड़ी है अपने सेगमेंट में टोयोटा कैमरी। सो उसकी आपको बकेट फिट सीट्स मिलने वाली हैं इसके अंदर, जो कि इसकी ड्राइव को और ज़्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ बनाएगी। 8-way एडजस्टेबल सीट्स है गाइस यहाँ पे, ये देखिए 8-way एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी आपको दोनों साइड में। सो ये थार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, 8-way एडजस्टेबल सीट्स आपको अंदर मिलने वाली हैं। उसके बाद मैं अंदर आ जाता हूँ जैसे। सो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है गाइज वो देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। ये चीज़ चेक करें, टच स्क्रीन डिस्प्ले विद ऑल कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ चेक करें, काफ़ी बढ़िया है। ये अराउंड है मेरे हिसाब से 9.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले इसके अंदर होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके गियर नॉब की। गियर नॉब भी जो है आपको चॉकलेट वुडन फिनिश में जो है देखने को मिलेगा। सेंटर कंसोल भी गाइस इसके अंदर जो है वो भी नहीं आता था, सो वो भी जो है इसके अंदर लगा हुआ है सेंटर कंसोल। होप आपको ये ओवरऑल पसंद आया होगा। यहाँ पे देखिए स्टेयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही है। सो गाइज उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वो वाले हैंडल्स भी हैं वो भी आपको वुडन फिनिश में मिलेंगे। खैर ड्राइवर साइड पे हैंडल नहीं आता, वहाँ पे दोनों साइड पे आपको हैंडल जो है वो आपको वुडन फिनिश में मिलेंगे। रूफ आप चेक कर सकते हैं, इसकी चॉकलेट कलर की रूफ है गाइज, ये चेक करिए जैसे मैंने फोकस करके दिखाया तो चॉकलेट कलर की इसमें रूफ लगी हुई है। ओवरऑल पैनारोमिक सनरूफ लगा हुआ है गाइज वेबेस्टो का। यहाँ देखिए H400 ट्रॉपिक जो है इसका मॉडल है वेबेस्टो का पैनारोमिक, जैसे मैंने आपको अभी खोल के दिखाया था सिनेमैटिक में, बट मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पैनारोमिक का यही फ़ायदा है गाइज, ये पूरा खुल जाता है गाइज यहाँ पे, पूरा दूर तक आपको खुल जाएगा। इसमें से आराम से दो बंदे बिल्कुल ईजिली जो है बाहर आ जाते हैं। तो ये मैंने जैसे यहाँ पर बंद कर दिया पैनारोमिक सनरूफ इसका। सो बड़ा स्मूथ है गाइज, और वेबेस्टो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, बिल्कुल सील बंद हो जाता है एकदम। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, जो कि इसके लुक्स को और बढ़िया बना रहा है। रियर में अगर मैं बात करूँ तो गाइज रियर में भी आपको दो कैप्टन सीट्स मिलेंगी जो कि एडजस्टेबल हैं बट मैनुअली, और कस्टम मिलेंगी आपको ये। सो बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस जो है देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, जो कि इसकी लुक्स को और इन्हांस कर रहा है। ओवरऑल पूरा चॉकलेट इंटीरियर है गाइज, पैनल वगैरह एवरीथिंग अंदर जो है सीट से लेके सब कुछ चॉकलेट और वुडन का जो है बना हुआ है, और बाहर से ये मैट बना रखी है। सो होप आपको ओवरऑल जो गाइज इसकी पसंद आई होगी। सीट्स आप यहाँ पे चेक करें, सीट्स ही हैं जो मेन इसकी लुक्स को इनहांस करें, जो ड्राइविंग क्वालिटी बढ़ाती हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़ाती है, ड्राइविंग कंफर्ट जो है बढ़ाती है गाड़ी का, वो सीट्स होती हैं जो इसमें बहुत बढ़िया ढंग से लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए सीट बेल्ट्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग जो है देखने को मिलेगी वुडन की। सो डिटेलिंग पे खास तरीके से जो है काम किया गया है इस गाड़ी के अंदर। ये देखिए आप जैसे मैंने फोकस करा तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसके लुक्स को बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग और अट्रैक्टिव बना रहा है। सो होप आपको गाइज ओवरऑल ये गाड़ी पसंद आई होगी। अब मैं इसके प्राइस वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ। सो वीडियो के साथ गाइज एंड तक बने रहिए। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको जो आज वाली मॉडिफाइड थार है ये पसंद आई होगी। अगर इसके खर्चे की मैं बात करूँ टोटल तो गाइज इसमें अराउंड 3 लाख रुपये का खर्चा आ रखा है, क्योंकि गाइज इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ लगा हुआ है,
इसका मैट कस्टम पेंट जो है आगे पीछे आप देख सकते हैं, इसमें मेटल जो है फ्रंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, मेटल माउंट मिलेगा, वैसे फाइबर का आता है बट ये प्योर मेटल का है, मेटल बम्पर हो गया, कस्टम पेंट जॉब हो गई, और जैसे टोयोटा कैमरी की इसमें 8-way एडजस्टेबल सीट्स लगी हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। तो गाइज ये पूरी मॉडिफाइड हो रखी है रैबिट स्टोर चंडीगढ़ से, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा, आप कभी भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूँगा, अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोज़ को गाइज देने के लिए बहुत 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 थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।